देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का जो सपना था भारतवर्ष को स्वच्छ रखने का, उसी की तरफ अग्रसर होते हुए और ख़ास तौर पर जब पूरा देश जो है कल महात्मा गांधी जी की 150वीं जन्म जयंती जो है वो मनाएगा, उसी के उपलक्ष्य में 1 तारीख को वार्ड नंबर 35 में यशपाल मांटू जी की अध्यक्षता में यहाँ पर एक कार्यक्रम रखा गया है। मैं आभार प्रकट करना चाहता हूँ उनका, जिनके माध्यम से आज स्कूली बच्चे जो हैं भारी मात्रा में पॉल्यूशन को लेकर हम लोग सब चाहते हैं और पूरा देश चाहता है, पूरा विश्व चाहता है कि जिस तरीके से जो वन टाइम यूज़ पॉलीथीन होता है, जैसे पानी की बॉटल है या इसके साथ साथ लिफाफे हैं जो पॉलीथीन के, मेरा मानना है कि उन सब के ऊपर जो प्रतिबंध देश में 2 अक्टूबर के बाद से लगेगा, आज उनकी जागृति के लिए हमने नरेंद्र भाई मोदी जी के का फोटो छपा हुआ एक कुछ लिफाफे भी जो हैं लगभग 1000 के लगभग हम लोग लोगों के बीच में भी वितरित करेंगे। हम लोग उनको प्रेरित करेंगे कि से नो टू द पॉलीथीन, पॉलीथीन के लिफाफे बंद करके इसी की तरफ हम लोग अग्रसर हों ताकि पॉल्यूशन जो है वो कम हो, पोल्यूशन खत्म हो। पोल्यूशन खत्म होगी तो पर्यावरण बचेगा, पर्यावरण बचेगा तो आम लोग जो हैं वो बचेंगे, एक स्वस्थ वातावरण होगा, एक समृद्ध वातावरण होगा। है कि से नो टू पॉलीथीन बैग्स की हम आज एक अवेयरनेस प्रोग्राम यहाँ से लेके जाएंगे, मार्केट में लोगों को अवेयर करेंगे कि वो प्लास्टिक बैग का इस्तेमाल ना करें। और जो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि जो वन टाइम यूज़ प्लास्टिक होता है उसका खात्मा किया जाए, तो उसके बारे में हम लोगों को अवेयर करेंगे। हमने कुछ जो कपड़े के बैग्स भी बनवाए हैं तो हम वो भी लोगों को में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ताकि प्लास्टिक बैग्स की जगह वो इन कपड़े के बैग्स का इस्तेमाल करें। आज हमारा ये थीम था कि आज ये 2 अक्टूबर तक हमारा प्लास्टिक वेस्ट का अभियान चल रहा है, इसी माध्यम से हमने अवेयरनेस कैंप दिलाया, बच्चों को बुलाया, क्योंकि लोगों को अपने अवेयर करना है कि प्लास्टिक जो हटाना है देश से हटाना है, अपनी लाइफ को बचाना है, तो हमारा यही एक थीम था। तभी हम अवेयरनेस कैंप लगा रहे हैं, स्कूल में लगा रहे हैं और लोगों से भी हम कॉन्टैक्ट कर रहे हैं कि प्लास्टिक को टोटली हमने बैन कर देना है, टोटली खत्म कर देना है, तो यही हमारा थीम है आज का। आगे भी लोगों को हम अवेयर करेंगे सफाई अभियान के बारे में, प्लास्टिक वेस्ट के बारे में, क्योंकि प्लास्टिक वेस्ट जो हमारी लाइफ के लिए एक खतरा ही है, कितना केमिकल जो है ये आ रहा है उससे हमारी सेहतों को नुकसान हो रहा है, हम यही अवेयरनेस दिलाएं लोगों की प्लास्टिक वेस्ट जो प्लास्टिक जो है उसको हमें खत्म कर देना है। थैंक यू।